जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ डॉग ब्रीडिंग के बारे में। कई लोग प्लान कर रहे हैं डॉग ब्रीडिंग स्टार्ट करने का, तो मैं आपको आज प्रैक्टिकली जो पर्सनली मैंने फेस किया है मैं अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। एसी कमरे में बैठ के या अपने ऑफिस में बैठ के एसी के नीचे बैठ के भाषण देने वाला। सबसे पहले आप फेस दिख रहा है आपको, ये पसीना, ये टी शर्ट गिल्ली होगी, ये दिख रहा होगा, और बाल ये दिख रहे होंगे। ये सब दोस्तों अभी डॉग को खाना खिला के आ रहा हूँ उसका है। तो अगर आप ब्रीडिंग का सोच रहे हो तो इतने पसीने निकालने के लिए, इतना मेहनत करने के लिए सबसे पहले बात रेडी हो जाओ। माइंड में दिमाग आ रहा होगा कि भाई हम तो इसी कमरे में रह के लड़के रख के लड़का काम संभाल लेगा और लड़के के दम पर ब्रीडिंग कर सकते हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि अगर आप लड़के के दम पर ब्रीडिंग कर सकते हो तो डॉग ब्रीडिंग के बारे में भूल जाओ। इस लाइन में आने के बारे में गलती से मत सोचना, क्योंकि लड़के के दम पे कभी डॉग ब्रीडिंग नहीं हो सकता। सबसे पहली बात, आपके लिए डॉग लवर होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम डॉग लवर हैं, हम कम्युनिकेट करते, बातें करते अपने अपने प्यारे फैमिली मेम्बर से, जानवर से, डॉग से, कि वो खुद बताता है कि आज बीमार हूँ, तो खुद हम जो हम कर सकते हैं वो लड़का नहीं कर सकता। लड़के के दम पे दोस्तों लाइव डेमो में सा दोस्तों, मैं मेरा कोई गॉडफादर नहीं रहा डॉग लाइन में, मैंने खुद धक्के खा के ठोकर खा के काम सीखा है। तो स्टार्टिंग में जब पैसे कम थे तो खुद काम किया करता था, उसके बाद जब जाए से जब पैसा आया तो लड़के रख लिए, और लड़के सैलरी पर रखा, तो जब लड़का सैलरी पर रखा दोस्तों तो सारा काम उसके ऊपर छोड़ दिया और खुद मस्त आराम से एसी में सोना, आराम से लाइफ, चिल लाइफ। देखो वेट बीच में आपने वेट काफ़ी गेन हो गया था मेरा, तो उसके पीछे रीजन। और लड़की को, अगर लड़के के दम पर छोड़ना क्या हुआ, क्या उसके नुकसान हुए, सबसे पहली बात तो डॉग लवर तो होना बहुत, देखो जानवर आपका है और पैसा आपका है, दोनों चीज़ आपका, लड़का लड़का है, केयर टेकर है। टाइमली कोई, अगर एक डॉग भी आपका खाना नहीं खा रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं वो बीमार है, मे बी फीवर कुछ, बस वो हमें चेक करना होता है, वो मैं और आप चेक करेंगे जब हमारा पैसा लगा हुआ। लड़के को लड़का खाना डाला, नहीं खाया, उठा के उसको दे दिया, 300 दे दिया, पास कर दिया, इन्फॉर्म करना होता नहीं, फीवर चेक करना होता नहीं, उसको इतना टेंशन पड़ी है, बच्चे बीमार पड़ गया, डॉग बीमार को मर गया, किसका मरेगा, आपका मेरा, लड़के का नहीं। फीमेल हीट पे आई है, हीट पे आती 6-7 बजे स्लाइड बनवाना, देन प्रॉपर डॉग्स मीट करवाना, और उसके बाद पैसे तो भी हमारा खर्चा पूरा होता है। फीमेल हीट पे आई, चले भी गई, उसको ना न पता लगा ना हम लगे, तो और आया और चलेगी, नुकसान किसका लाख होगा, आपका और मेरा। तो लड़के क्या है उसको बस सैलरी से मतलब, हाँ भाई सर 1 तारीख को सैलरी आनी चाहिए भाई, बट नुकसान आपका मेरा है इसमें। तो अगर आप लड़के को छोड़ भी रहे हो तो पहले क्या है, पूरा उसको छोड़ दिया, इसके वजह से मुझे बहुत नुकसान हो, मुझे एक दो फीमेल में हाथ चलेगी, काफ़ी लाखों का नुकसान होगा मेरा। उसके बाद फिर मैंने कहा नहीं यार, खुद उतना पड़ेगा, बट साफ सफाई आज भी लड़का रखा है, लड़का रखोगे वो सब सारा काम खुद करना आज पॉसिबल नहीं है। लड़का आज भी रखा है, मैंने लड़का रखा है सिर्फ मैंने क्लीन साफ सफाई के लिए, सारे स्टूज साफ करा, घुमाना डॉग्स घुमा फिरा के लाना, साफ सफाई करना, उसके लिए डॉग्स मैंने अपना लड़का रखा हुआ है आज भी। बट जो खाना खिलाना और रोज अब उसके बॉडी में हाथ मारना, वो हमारा और आपका फर्ज बनता है। अगर ब्रीडिंग का सोच रहे हो तो रोज मतलब प्रॉपर खाना खिलाने के बाद चेक करना, उसे प्रॉपर खाए, जितना रोज खाती है उतना खाया, अगर कम खाई तो क्यों खाई, फीवर वगैरह तो नहीं है जनरल, अभी तो मैं कान वगैरह चेक कर सकते, बट फिर भी आप थर्मामीटर का फीवर वगैरह चेक कर लो, अगर कुछ है ऊपर से दवा दे दो। स्टूल जो हमेशा हार्ड होना चाहिए, हल्का लूज स्टूल हुआ तो उसके लिए जो अभी आप प्रॉपर्टी जो भी एक्सपायर्ड आप वो दे दो। तो प्रॉपर केयर करना होता है, रोज हाथ मारते रहो, चेक तो बॉडी ठीक है, कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है, बॉडी में एक टिक्स भी नहीं होना चाहिए, गलती से एक टिक्स, टिक्स मतलब जानलेवा बीमारी है, एक चिचड़ा पे कैनल पे आपको नहीं होना चाहिए, वो चेक करना, रूटिंग डिवॉर्मिंग करना, ये सारा काम अपने हाथ पर रखो, मैं अपने हाथ पर रखा हूं। अभी लड़का साफ सफाई के लिए सारा काम खुद करता हूं, इसके वजह से आप देख सकते हैं ये बैंड में 12 बजा हुआ है। तो काफ़ी मेहनत लगता है दोस्तों, काफ़ी मेहनत का काम है। डॉग लाइन में आने का नुकसान ये है दोस्तों कि पर्सनल लाइफ आपकी ख़त्म हो जाती है, कोई पर्सनल लाइफ नहीं होती, शादी ब्याह पे आ नहीं जा सकते हम, जाना तो फटाफट जाओ, फटाफट वापस, क्योंकि ये जानवर हमारे लिए भूखे प्यासे है, ये हमारे इंतजार में कि हम आए खाना खिलाएंगे, तो हम कहीं आ जा रहे घूमना फिरना पार्टी शार्टी में सारी खत्म हो जाती है हमारी। अगर हम एक अच्छा ब्रीडर बनना चाहते हैं तो, अगर हमें झोला छाप ब्रीडर बनना है, या हमें एक कबाड़ी वाला बनना है, या हमें बैकयार्ड ब्रीडर बनना है, या पप्पी मिलर बनना है, तो उसके लिए दोस्तों इतना पसीना बहाने की ज़रूरत नहीं है, वो लड़के रखो, हुआ हुआ ठीक ना, ट्रेडिंग करो, ब्रोकरिंग करो, काफ़ी पैसा है, तो तो ऐसा नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप ब्रीडिंग के बारे में सोच रहे हो तो जिन लोगों ने देखा है डॉगीज वर्ल्ड के एक ब्राइट पे, जिसमें आराम से बैठ रहा ऑफिस में बैठ रहा हूँ, तो वीडियो बनाते रहता हूँ और भालू ऐसे बच्चे लाते रहता हूँ, भालू ऐसे बच्चे बनाने के पीछे बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, काफ़ी मेहनत लगता है, मुझे पता है, रात रात भर जागना, उसके बाद प्रॉपर केयर करना, टाइमली डिवॉर्मिंग करना,
खाना स्टार्ट करना और उसके बाद उनको सुबह सुबह ये प्लेग्राउंड दिख रहा है, ये स्पेशल बच्चों के लिए प्लेग्राउंड है, उनको छोड़ना है सुबह शाम उठ के आए खेले, जितने डॉग्स खेलेंगे फिरेंगे दोस्तों उतना मोटा होगा। अगर हम चाहते हैं कि हम एक बाय एक पिंजरे का जो खाना खिलाएंगे और पिंजरे के अंदर रख देंगे और वो मोटा हो जाएगा, ये भूल जाओ कि ये बेवकूफ़ों की निशानी है कि भालू ऐसा बच्चा करना है तो पिंजरे के अंदर रखो खाना खिलाओ वो मोटा हो जाएगा, चूँकि आपका ये ठीक है ना, ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं है बेटा, बहुत मेहनत लगता है बच्चे को भालू से करने में, ठीक है ना, फटके हाथ में आ जाती है, तो इतना आसान काम नहीं है। और ब्रीडिंग करना भी आसान काम, कई लोग कहते हैं ये वो, भाई इतना आसान काम नहीं है ब्रीडिंग करना, ना सबकी बस की बात है भाई साहब, ठीक है, तो चाहे काफ़ी मेहनत लगता है और अच्छे बच्चे तैयार करने में, हाँ और 250-250 ग्राम से छोटे बच्चे मार्केट में बेचते हैं उसमें कोई मेहनत नहीं लगता, आप बैग पीछे डाल दो खुद ही बच्चे दे रही है पढ़ रही है गंदे संदे बड़े हो रहे हैं। तो चलो आज मोरल द स्टोरी ये कुछ प्रैक्टिकल फेस था जो दिखा रहा था, जो लोग सोच रहे हैं, क्योंकि मुझे कॉल कई लोग फ़ोन करते हैं कि भैया आप इतने यूट्यूब अच्छे बन गए, आप इतने डॉग रखे हो, आपकी लाइफ बहुत मस्त है, ये मेरी लाइफ है भाई, पसीने में डूबा रहना, अभी सुख भी काम कर करके और सुबह शाम थकापटी रहती है, यू नो, तो इतना आसान काम नहीं है, जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। और कहावत है कि दूसरे के लड्डू में थाली बड़ा, दूसरे के थाली में लड्डू बड़ा दिखता है, तो लड्डू ऐसा है, ठीक है। तो अगर आप ब्रीडिंग सोच रहे हो तो सोच लो, अगर आप 10 डॉग रखने का प्लान कर रहे हो तो 5 रखो, 5 का सोच रहे हो तो 2 रखो, 2 का रख रहे हो तो सोच रहे हो तो 1 रखो, पर जो भी रखो अच्छे से रखो, प्रॉपर केयर करो, खुद केयर करो, अपने दम पे रखो, ठीक है ना, किसी दूसरे के दम पे मत रखो, ब्रीडिंग का काम पे मत आओ, और पार्टनरशिप वगैरह अवॉइड करो। और बच्चे कैसे मोटा करते हैं वो भी बताऊंगा आपको मैं, क्योंकि भालू से बच्चा करना कई लोग सोचते हैं बहुत आसान काम है, अभी दिखाएंगे आपको कैसे तैयार होता है भालू से बच्चे, उसके भी वीडियो बनाएंगे, फीमेल्स प्रेग्नेंट है बच्चे देती है तो आपको लाइव डेमो देंगे, बच्चा भालू से करके दिखाएंगे, उसके पीछे कितना मेहनत लगता है वो भी दिखाएंगे आपको। एंड सो बस दोस्तों कुछ दिल की बात जो आप शेयर करना था कि मुझे बहुत लोग फ़ोन करते हैं भैया हमें ब्रीडिंग लाइन में आना है, हम सोचते हैं पार्ट टाइम कुछ कर ले, ये कर ले वो कर ले, तो आप लोगों ने हमेशा मेरा अच्छा सा फेस देखा है एक एज ए यूट्यूबर और एज ए जो पप्पी सेलर वगैरह, तो एक ये भी इमेज है वो भी आप लोग को आज रूबरू होना बहुत ज़रूरी था, कि इससे क्या हो कई जो ये पसीने मेहनत देख के कई लोग तो बैकअप कर लेंगे कि ब्रीडिंग आसान काम नहीं है। जी हाँ, अगर हम कुछ पैसे के सोच रहे हैं तो भूल जाओ, पैसे कमाने के रास्ते और भी बहुत है, इस डॉग लाइन में आना तो मतलब अपनी लाइफ को स्पॉइल करने वाली बात होती है, और अगर आप ढंग से नहीं करोगे तो आप एक जानवर की लाइफ स्पॉइल कर रहे हो, तो आप अगर किसी की जिम्मेवारी उठा रहे हो, यू नो, साल में एक बार ब्रीड करना, प्रॉपर ब्रीडिंग करना, उसको साल में आप एक बार बच्चे लो, उससे दो बार बच्चे मत लो, भालू से बच्चे एक रीज़न ये भी है, अच्छे डॉग से मीटिंग कराओ, केयर करो, टेम्परेचर का ध्यान रखो, खाने का ध्यान रखो, सुबह शाम हमेशा लगे रहो। अब मेरे दोस्त सारे टूर में निकलते हैं, अभी लेह लद्दाख गए बाइक और मैं नहीं जा पाया अपने इस डॉग बिजनेस की वजह से, तो नो डाउट डॉग बिजनेस की वजह से दोस्तों हमें बहुत कुछ खोना पड़ता है और बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है, जैसा जो दिखता है दोस्तों नहीं, कई लोग बड़े बड़े ब्रीडर आते हैं वो एसी कमरे बैठते हैं, साफ़ सुथरे कपड़े पहन के, टाई पहन के बोलते हैं, और उनको देख के हम जैसे बंदे इंस्पायर्ड होते हैं कि यार इसमें तो बहुत पैसा है कर लेते हैं, बट उनसे मेहनत, उसके पीछे मेहनत कितनी छुपी है उनसे पूछो। अगर आप उनसे पर्सनली कभी वैसे डायरेक्टली मिलने जाओगे तो वो कैनल पे काम कर रहे होंगे या फिर काम करवा रहे होंगे तो उनका हाल कुछ और होगा, और जैसे कि हम खड़े हैं, क्योंकि जब प्रैक्टिकली काम हमें खुद करना होता है। और मोरल ऑफ द स्टोरी यह है, अपने दम पे कर सकते हो तो इस लाइन में आओ, पर्सनल लाइफ को सेक्रीफाइस करते हो तो इस लाइन में आओ, और ये जो काम है सबकी बस की बात नहीं है। और कई लोग कहते हैं आप इंजीनियरिंग करी लाइन क्यों कर रहे हो, दोस्तों चाटने की आदत नहीं थी मेरे को, अगर आज मैं चाटने की आदत होती तो मैं जनरल मैनेजर के पोस्ट में होता, कि मेरे साथ के बंदे AGM पहुंच गए तो मैं GM आराम से होता, और कम से कम 2-2.5 लाख रुपये मेरी सैलरी होती मंथली, 25-30 लाख का मेरा पैकेज होता, सालाना सैलरी होती, बट नुकसान ये था कि चाटने की आदत नहीं मेरे को, और जिसका नुकसान ये हुआ कि आज मैं मेहनत काम कर रहा हूँ, पढ़ा लिखा इंसान हो के भी मैं ये काम कर रहा हूँ। तो अगर दोस्तों अगर आप कोई अगर कोई पेरेंट्स की वीडियो देखा तो बच्चों को बोलो कि बेटा इंजीनियरिंग डॉक्टर करवा रहे हो तो उसके साथ साथ आप उनको चाटने की आदत भी सिखाओ, क्योंकि अगर प्राइवेट सेक्टर में कामयाब होना है तो ये गुण आपके अंदर होना चाहिए, अगर आप नहीं हैं तो आपका बेटे का प्रमोशन काफ़ी लेट होगा, प्रमोशन काफ़ी लेट मिलेगा, और एट लास्ट वो भी मुझे से बंदा को खुद ही उस काम करेगा, तो एक ये लॉस है। पढ़ाई के साथ जो लोग मेरे छोटे भाई पढ़ाई कर रहे हो, आप पढ़ाई के साथ साथ दोस्तों थोड़ा सा पॉलिशिंग करना, पॉलिश करना या अपने बॉस की चमचागिरी करना या चाटना जिसे कहते हैं वो भी स्टार्ट कर दो कामयाब होना, तो अगर नहीं कर सकते तो डॉग लैंड खुला है, आज आपको भाई आपको गाइड करेगा, और आप कर सकते हो
तो यार आराम से एसी में बैठ कर काम करो, क्यों हमारी इतना धक्के खा रहे इतना गर्मी में, तो एसी में बैठ कर आराम करो। ये डॉग डुग लाइन में कुछ नहीं रखा, परेशानी है, मेहनत है। और अगर आप थोड़ा सा पॉलिशिंग करके इंक्रीमेंट और एसी में बैठे काम कर रहे हो तो मेरे ख्याल से बेटर ऑप्शन है, क्योंकि मेरे डिग्री किसी काम की रही नहीं, क्योंकि ना पॉलिशिंग हो पाया ना कुछ हो पाया। तो बट आप लोग ऐसा ना करो। हैव अ ग्रेट डे दोस्तों, थक चुका हूँ, जाता हूँ नहाता हूँ आराम करता हूँ। हाँ दोस्तों, फ़ोन नहीं पिक कर पाता हूँ, थक जाते यार। तो आप, मैं बोलता हूँ कि आप मुझे व्हाट्सअप कर दिया करो, बेसिकली आपको एक या दो दिन लेट रिप्लाई मिलेगा, पर रिप्लाई 101% मिलेगा। आप मुझे अगर फ़ोन उठाते हम तो आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड होता है, आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, हैव अ ग्रेट डे दोस्तों, जय हिंद, जय सियाराम।